हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से संबंधित एक ऐसी वीडियो जो कि कक्षा 11 और कक्षा 12 के कृषि से संबंधित जितने भी छात्र हैं उनके लिए बेनिफिशियल तो है ही, उसके साथ साथ यूपी कैडर की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू गुआवा कल्टिवेशन की स्टडी करवाएंगे। तो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अमरूद का बोटैनिकल नेम दे रखा है यहाँ पे, साइडियम गौजावा। फैमिली दे रखी है रूटेशी। और अमरूद में क्रोमोसोम की संख्या 22 और 44 होती है। आगे दे रखा है कि ओरिजिन प्लेस क्या है इसका। अमरूद का ओरिजिन प्लेस ट्रॉपिकल अमेरिका या फिर पेरू, दक्षिणी अमेरिका है। इसका टाइप ऑफ फ्रूट क्या है, फल का प्रकार क्या है इसका, बेरी है। फल का प्रकार बेरी है। इसमें विटामिन सी पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 130 से 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। 100 ग्राम में 130 से 150 मिलीग्राम इसमें विटामिन सी पाई जाती है। आगे हम देखेंगे खाने वाला भाग क्या है, ईटिंग पार्ट क्या है इसका। तो अमरूद के खाने का भाग है पुष्पासन या फिर फल भित्ति। क्या है, पुष्पासन या फिर फल भित्ति। अमरूद में प्रवर्धन विधि, जब हम अमरूद को किसी दूसरे प्लेस पे लगाते हैं तो उसकी प्रवर्धन की विधि क्या है, रिंग बडिंग या फिर टी बडिंग, या फिर अमरूद की जो प्रवर्धन विधि है उसका मेथड है उसको हम टूलिंग स्टूलिंग मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं। अमरूद में स्वपरागण तथा परपरागण दोनों होता है, तथा इसमें परागण की क्रिया मधुमक्खियों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, मधुमक्खियों के द्वारा होती है। अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन, जो अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अमरूद को एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स या फिर गरीबों का सेब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गरीबों का सेब कहते हैं। राजस्थान में अमरूद की खेती की जाती है, कौन से ऐसे एरियाज हैं राजस्थान के जहाँ पर अमरूद की खेती की जाती है। तो हम देखते हैं उदयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़। ये पांच ऐसे एरिया हैं राजस्थान के जहाँ पे अमरूद की खेती की जाती है। अमरूद में पेक्टिन पदार्थ पाया जाता है जो कि जेली बनाने के काम आती है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है, पेक्टिन नामक एक पदार्थ होता है अमरूद में, जिससे हम लोग जेली बनाते हैं। राजस्थान के लिए फलन हेतु जो सबसे उपयुक्त बहार है कौन सी है, मृग बहार। बहार नियंत्रण के लिए अनावश्यक फूलों को NAA यानी कि नेफ्थलीन एसिड एसिड जिसका टॉक्सिक लिमिट है 600 ppm या फिर यूरिया को 10% घोल करके छिड़काव कर देते हैं, जिससे फूल झड़ जाते हैं और वो बहार जो होती है जैसे रेनी सीजन की बहार है वो हम नहीं लेते क्योंकि उसमें इंसेक्ट ज़्यादा लगते हैं। आगे हम देखेंगे अमरूद में व्याधियों का प्रकोप वर्षा ऋतु में अधिक होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो अमरूद में इंसेक्ट होते हैं और वो रेनी सीजन में ज़्यादा लगते हैं, इसलिए रेनी सीजन की अपेक्षा सर्दियों में फसल लेना आवश्यक होता है, जिसे फल नियमन या फिर क्रॉप रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फल नियमन या फिर क्रॉप रेगुलेशन। आगे दे रखा है स्पेसिंग कितनी होती है। तो अमरूद की स्पेसिंग जो होती है 8x8 मीटर होती है, यानी कि प्लांट से प्लांट की जो डिस्टेंस होती है वो 8 मीटर होती है और रो टू रो डिस्टेंस 8 मीटर होती है। अमरूद की इलाहाबादी तथा लखनऊ 49 को कितनी दूरी पर लगाते हैं। जो हमारी वेराइटीज़ हैं इलाहाबादी और लखनऊ 49, ये दो ऐसी वेराइटीज़ हैं जिनको हम 6x6 मीटर पर लगाते हैं, मतलब कि प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस 6 मीटर और रो टू रो की डिस्टेंस 6 मीटर होनी चाहिए। अमरूद में ज़्यादातर फूल किस समय आते हैं, जो अमरूद का प्लांट होता है उसमें जो फूल आते हैं ज़्यादातर जून के पहले सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक फूल ज़्यादा आते हैं। मृग बहार की फलत लेना महत्वपूर्ण होता है। अमरूद की जो एक बहार है मृग बहार, जो उसकी फलत है उसको लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे तीन बहार दे रखी हैं, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। हम जानेंगे कि इन बहारों के फूल आने का समय तथा फल लगने का समय क्या क्या है। तो अम्बे बहार के फूल आने का समय मार्च से अप्रैल है। अम्बे बहार की फल पकने या फिर फल लगने का जो समय है जून से जुलाई है। मृग बहार
कि फूल आने का समय जून से जुलाई है और फल पकने का समय अक्टूबर से नवंबर है। हस्तबहार की फूल आने का समय नवंबर से दिसंबर है और फल पकने का समय फरवरी से मार्च है। आगे हम देखेंगे अमरूद की वैरायटीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ दे रखी हैं। हब्सी जो कि लाल गूदे वाली है, बेहद कोकोनट, ललित अर्का मृदुला, पंत प्रभात, हरी झा, लखनऊ 49। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो हब्सी वैरायटीज़ है ये लाल गूदे वाली है। आगे है बेहद कोकोनट, ये जो वैरायटी है ये सीडलेस वैरायटी है, इसमें बीज नहीं मिलेंगे आपको। ललित ये लाल गूदे वाली होती है या फिर गुलाबी गूदे वाली, और ये डेवलप की गई है, विकसित की गई कहाँ से, लखनऊ से। अर्का मृदुला ये एक डॉर्फ वैरायटी है यानी कि बौनी किस्म है। पंत प्रभात ये पंतनगर से विकसित की गई है। हरिझा ये बिहार से विकसित की गई है। और ये जो लखनऊ 49 है इसका एक उपनाम भी है जिसे हम सरदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरदार या फिर लखनऊ 49, बात एक ही है। यहाँ पे दे रखी हैं अदर वैरायटीज़। अदर वैरायटीज़ में चित्तीदार, कोहिर सफ़ेद, एप्पल कलर, इलाहाबाद सुर्ख और संकर 45। आगे दे रखी डिजीज़ विल्ट या फिर उकठा रोग, ये कवक के द्वारा होता है। और जो इसका कवक है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम सीडाई। क्या है कवक का जो साइंटिफिक नेम है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम सीडाई। ये क्वेश्चन यूपी कैडेट के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक डिजीज़ दे रखी है ब्रोंजिंग, ये जो ब्रोंजिंग डिजीज़ है ये जिंक की कमी से होती है। किसी कमी से होती है, जिंक की कमी से। अब दे रखा है यहाँ पे अमरूद की इंसेक्ट्स, इसमें इंसेक्ट्स कौन कौन से लगते हैं। स्ट्रिपेड मिलीबग ये इंसेक्ट है, इसका साइंटिफिक नेम है फेरिसा विरगेटा, और ये दक्षिण भारत का मेन कीट है। कहाँ का है, दक्षिण भारत का मेन कीट है। आगे दे रखा है टी मॉस्क्यूटो बग, इसका जो साइंटिफिक नेम है हेलिको हेलोपेल्टिस एंटोनी। क्या है, हेलोपेल्टिस एंटोनी। तो स्टूडेंट्स यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको क्विज देनी है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे डेली के डेली 20 से 30 क्विज आपके लिए अपलोड की जाती हैं।